Hello everyone, I am Nirpendra Yadav, Senior Research Analyst at Swastika Investment Limited. US के inflation और unemployment PPI के data last week में अनुमान से कमजोर दर्ज किए गए, जिससे gold और silver की कीमतों में एक अच्छी खासी week के शुरुआत में तेजी देखने को मिली। हालांकि FOMC meeting minutes से clear हुआ है कि आगे भी rate Fed के कुछ official रेट हाइक के पक्ष में है। साथ ही वीकेंड में यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा अनुमान से बेहतर दर्ज किया गया है, जिससे वीकेंड पर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि इस वीक गोल्ड और सिल्वर की कीमतें एक रेंज में ही रहने की संभावना नजर आ रही है। गोल्ड में सपोर्ट 59,500 पर है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 61,800 पर है। सिल्वर में सपोर्ट 74,000 पर है और इसका रेजिस्टेंस 78,000 पर है। ओपेक प्लस द्वारा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा क्रूड ऑयल की आगे बेहतर डिमांड का अनुमान से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी बनी हुई है। क्रूड ऑयल में तेजी इस वीक भी जारी रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। क्रूड ऑयल में सपोर्ट 6,600 पर है, जबकि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 6,900 पर है। नेचुरल गैस की कीमतों में अभी दबाव बने रहने की संभावना है। नेचुरल गैस में रेजिस्टेंस 185 पर है और इमीडिएट सपोर्ट 160 पर है। चीन में कमजोर इन्फ्लेशन के डेटा के चलते ये एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी है कि आगे चाइना की गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज प्रोवाइड करेगी। बेस मेटल्स में इस वीक भी रेंज बाउंड टू अपसाइड का मूव हमें कीमतों में देखने को मिल सकता है। कॉपर में सपोर्ट 760 पर है और इसका रेजिस्टेंस 800 पर है। एल्यूमिनियम में सपोर्ट 202 पर है और रेजिस्टेंस 212 पर है। जिंक में सपोर्ट 244 पर है और इसका रेजिस्टेंस 262 पर है। अनसीजनल हेवी रेन के चलते जीरा की क्रॉप राजस्थान में ज्यादा डैमेज होने की खबरें हैं, जिससे जीरा का अनुमानित प्रोडक्शन में और भी ज्यादा गिरावट आने की संभावना के चलते इसकी कीमतों में तेजी बनी हुई है। जीरा में तेजी इस वीक भी देखने को हमें मिल सकती है। इसमें सपोर्ट 39,000 पर है और रेजिस्टेंस 44,000 पर है। बेहतर एक्सपोर्ट डिमांड के चलते टर्मरिक की कीमतें इस वीक रेंज बाउंड टू अपसाइड का मूव हमें दिखा सकती है। टर्मरिक में सपोर्ट 6,700 पर है और इसका रेजिस्टेंस 7,100 पर है। हालांकि 6,700 के नीचे इसमें फ्रेश सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। जबकि धनिया की कीमतों में इस वीक भी सेलिंग का दबाव रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। धनिया में सपोर्ट 6,370 पर है, जबकि इसका रेजिस्टेंस 6,900 पर है। तो ये था हमारा इस वीक के लिए कमोडिटी मार्केट पर अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।